मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी फर्स्ट चॅप्टर पेपर 2 चं 11th क्लास साठी पेपर 2 चं फर्स्ट चॅप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आलेलो आहे. ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चरच्या फॉर्म मध्ये हा आहे पीरियड नंबर 10. तर आपण पीरियड नंबर 9 मध्ये मित्रांनो पीरियड नंबर 9 मध्ये आपण स्टार्ट केलेला आहे. फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. मी तुम्हाला या पीरियड नंबर 9 मध्ये स्क्वेअर रूट काढण्याची थिओरेटिकल टेक्निक मेथड सांगितली होती, तर त्या टाइप मध्ये आपण आता प्रॉब्लेम सॉल्व करूया दोस्तों. तो ही आहे पीरियड नंबर 10 दोस्तों. यहां पर हमें फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है. 9th पीरियड में वी हैव स्टार्टेड न्यू पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 9th पीरियड में स्टार्ट किया था. अब ये 10th पीरियड है और ये क्वेश्चन नंबर देख लो दोस्तों. फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के लिए. फाइंड द स्क्वेयर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग है. तो ये पहला देख लो दोस्तों, 7 + 24 i, देन सेकंड वन 3 + 2√10 i, और ये थर्ड वन है दोस्तों 2 × 1 − √3 i. पहा मित्रांनो, या टाइपचे आपल्याला क्वेश्चन करायचे आहे, त्यासाठी होमवर्क देखील देणार आहे. पहा इथं एकदम सिंपल आहे. 7 + 24 i रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. याचा आपल्याला पाहिजे काय, स्क्वेअर रूट. देख लो दोस्तों हमें क्या होना, ये स्क्वेअर रूट होना. देख लो हा स्क्वेअर रूट साठी आठवत तुम्हाला काय ते क्वेश्चन तर माहिती असेल ना. सत्यात जरा या हे क्वेश्चन माहिती असतो मित्रांनो, तर तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे फाइंड द स्क्वेअर, है ना, हे स्क्वेअर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर हे तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे. थोडं माहिती असू द्या व्यवस्थित. फर्स्ट क्वेश्चन तुमच्यासाठी मित्रांनो, डेट इच्छा इक्वल टू 7 + 24 i आहे. आता आपल्यासाठी याचं रूट पाहिजे ना, आपल्याला याचा स्क्वेअर रूट पाहिजे. इच्छा इक्वल टू आहे 7 + 24 i, मला रूट पाहिजे. मी असं लिहितोय पाहिजे अंडर रूट ऑफ 7 + 24 i. पहा मित्रांनो, अंडर रूट ऑफ 7 + 24 i, थोडं व्यवस्थित पहा. फर्स्ट क्वेश्चन या पहिल्या क्वेश्चन मध्ये फर्स्ट सब क्वेश्चन क्रमांक काय आहे, अंडर रूट ऑफ एस प्लस काय आहे आपल्याकडं 7 + 24 i, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन आहे 7 + 24 i, याचा आपल्याला रूट पाहिजे. याने स्क्वेअर रूट इक्वल टू सपोज एस प्लस आय, समजा वी हॅव टू फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ दिस नंबर. याचं स्क्वेअर रूट आहे समजा एक्स प्लस आय इंटू वाय. या साईडला रूट आहे, या साईडला आहे रूट, लेफ्ट साइड में रूट आहे, राइट साइड में रूट नहीं है. तो हम लेंगे, है ना, ऑन स्क्वेयरिंग, यू नो वेरी वेल ऑन स्क्वेयरिंग क्या है दोस्तों. स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 7 + 24 i इक्वल टू एक्स प्लस आय इंटू वाय होल स्क्वेयर है. देख लो दोस्तों 7 + 24 i इक्वल टू दिस वन है. अब ये होल स्क्वेयर है, यानी वॉट ए स्क्वेयर प्लस क्या है ये बी स्क्वेयर है, प्लस क्या है ये 2ab है, 2ab. देन क्या है ये एक्स स्क्वेयर, आई स्क्वेयर यानी क्या है वन वन है. आई स्क्वेयर टर्म भी कंपल्सरी -1, आई स्क्वेयर के लिए -1 प्लस 2xy इंटू आई. तो ये है हमारे लिए 7 + 24 i है. देख लो क्या है दोस्तों, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, है ना. ऑन कंपेयरिंग और इक्वेटिंग दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग वी गेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल. देख लो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल क्या है 7 है फर्स्ट वन. एंड क्या है ये इमेजिनरी पार्ट, देख लो दोस्तों 24 = 2xy है, यानी क्या है ये y = 24 by क्या है ये 2x, यानी y के लिए क्या है दोस्तों
12 बाय 8 आता ना 2 1 जा 2 2 जा 5 जा 9 2 1 जा 2 2 जा 12 बाय 8 आला हे तुमचा सेकंड पॉइंट आहे y इक्वल टू 12 बाय 8 आहे है ना यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर गेटिंग x एंड y आपल्याला x आणि y च्या व्हॅल्यू पाहिजे त्यासाठी आपण हे दोन इक्वेशन सॉल्व करूया ना y ला पुट काय पुट y इक्वल टू 12 बाय x इन इक्वेशन कोणते y ची व्हॅल्यू आणून ठेवू दे वरती आहे y इक्वल टू 12 बाय x इन काय ते इक्वेशन आहे तुमचं 1 या 1 मध्ये है ना y ची व्हॅल्यू आणून ठेवू दे काय हो x स्क्वेअर माइनस काय 12 बाय x होल स्क्वेअर इक्वल काय 7 आहे सॉल्व करू शकतो आता आपण या इक्वल आहे x चा किती आहे हो स्क्वेअर आहे वाटलं तर x एक स्टेप जास्त सोडवा ये 144 बाय x स्क्वेअर इक्वल टू 7 ह्या एलसीएम मित्रांनो आहे एलसीएम x स्क्वेअर एलसीएम आहे x स्क्वेअर काय आहे x स्क्वेअर आणि x स्क्वेअर x रेस टू 4 माइनस 144 इक्वल टू जाता है इकड़ 7 x स्क्वेअर म्हणजे इकडून इकडा आला मित्रांनो 5 हा सी हियर काळजी पूर्वक पहा हे क्वेश्चन मी तुम्हाला अर्ज करतो हा या एक आहे हा नेक्स्ट स्टेप पहा काय मिळालं तुम्हाला इक्वेशन यू नो इक्वेशन कोणतं इक्वेशन भेटलं हो या इकडं एक्स चा चौथा मायनस 7 एक्स चा स्क्वेअर मायनस 144 आहे पाच जाणं हे इक्वेशन आहे का एक्स रेस टू 4 हे प्लस मायनस मायनस 144 आहे आपल्याकडे हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन याचं रूप भेटतात का यू कॅन टेक डायरेक्टली इक्वल टू 0 चौथा आहे म्हणजे एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर 144 चे फॅक्टर मायनस 7 पाहिजे 144 चे फॅक्टर मायनस 7 यू नो व्हॅल्यू इज 16 9 दा लास्ट टर्म मायनस याने मिडल साइन गोज टू लार्जर टर्म अँड अपोजिट साइन गोज टू स्मॉलर टर्म यू नो व्हॅल्यू इज शेवटी जर मायनस असेल तर मिडल साइन मोठ्या नंबरला अपोजिट साइन छोट्या नंबरला एक्स स्क्वेअर मायनस 16 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वेअर प्लस 9 इक्वल टू 0 x इक्वल टू काय हो x स्क्वेअर इक्वल टू 16 x स्क्वेअर इक्वल टू मायनस 9 पण पॉसिबल नाही a स्क्वेअर नेव्हर बी मायनस याने व्हाट x इक्वल टू प्लस मायनस 4 आहे का मित्रांनो x इक्वल टू प्लस मायनस 4 काय असतो हो व्हेन x इक्वल टू 4 y ची व्हॅल्यू किती येते 12 बाय 4 याने व्हाट 3 आणि x इक्वल टू मायनस 4 x इक्वल टू मायनस 4 म्हणजे काय y इक्वल टू 12 बाय मायनस 4 याने मायनस 3 आहे देयरफॉर अंडर रूट ऑफ काय ते 7 प्लस 24 i आहे यू नो व्हेरी वेल 7 प्लस 24 i याचं स्क्वेअर रूट काय म्हणत आपल्याला हो x आहे का x म्हणजे काय 4 प्लस y म्हणजे काय 3 i काय हो मायनस 4 है ना आता किती आहे मायनस 3 आहे म्हणजे काय हो प्लसला प्लस आहे मायनसला मायनस है ना प्लसला प्लस मायनसला मायनस काय करायचं काय इकडे 4 प्लस काय मायनस कॉमन घ्या वाटलं तर मित्रांनो हा इकडे कोणते असं लिहू शकता तुम्ही अंडर रूट ऑफ 7 प्लस मायनस 24 आहे काय करत आपण प्लस मायनस कॉमन घ्या 4 प्लस 3 आहे आणि व्हाट प्लस ला प्लस तर प्लस प्लस आणि मायनस मायनस हे आहे तुम्हारे लिए दोस्तों स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आठवतं थोडं व्यवस्थित पहा काळजी कोण पहा डिवाइस करत करत पहा हे तुमच्यासाठी एक प्रॉब्लेम आहे आय विल प्रोवाइड यू अनदर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बघा आपण दोस्तों देख लो पुन्हा पुन्हा पहा स्क्वेअर रूट हे मोस्ट आयपी क्वेश्चन आहे इन केस ऑफ सीईटी जेईई आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल टेक्निक देयर लेकिन केडी के लिए हमें ऐसा सॉल्व करना ही पड़ेगा ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट्स आर शॉर्ट लाइफ लेकिन ये जो पूरा थ्योरेटिकल जो स्टेप है ये लॉन्ग लाइफ है कहां पर भी एडजस्ट होता देख लो देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों
और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताऊंगा। देख लो, सेकंड वन था ना हमारे पास, सेकंड वन था हमें है यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। देख लो दोस्तों, मैं और एक क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा, देख लो क्या है। हाँ, ये सेकंड वन दोस्तों देख लो। हाँ, किसका स्क्वायर रूट होना हमें सेकंड में, 3 प्लस क्या है 2 × √10 आई है। यू नो वेरी गुड क्वेश्चन, देख लो 3 + 2 × √10 आई इक्वल क्या होना, इसका रूट होना यानी इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू वाई है। अंडर रूट ऑफ 3 + 2 √10 आई इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स प्लस आई। यहां पर कंपल्सरी यू शुड नो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड आई इक्वल टू √-1। ये होना दोस्तों, यू शुड नो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी एक्स वाई क्या है रियल पार्ट है और आई यानी इमेजिनरी यूनिट। अब ये रूट है, ये विदाउट रूट है, कंपल्सरी दोस्तों यू नो वेरी वेल ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट है। देख लो स्क्वेयरिंग के लिए क्या है, 3 + 2 × √10i इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वेयर है दोस्तों है, ये रूट यानी स्क्वेयर इसका स्क्वायर है। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy × i है, क्या चलेगा दोस्तों, क्या ये i स्क्वायर y स्क्वायर है यानी a स्क्वायर 2ab स्क्वायर, क्या ये अगेन 3 + 2 √10i इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये i स्क्वायर यानी दोस्तों क्या है, आई स्क्वेयर यानी -1 यानी -y² यहाँ पर घूम रहा हूँ बाद में 2xy × i है ना, यू नो वेरी वेल आई स्क्वेयर यानी -1, ये i यानी व्हाट √-1 आई स्क्वेयर का √-1 यू, ये हमारे पास ऑलरेडी है, यू कैन टेक डायरेक्ट आई स्क्वेयर यानी -1 यहाँ पर ऐसा घूम लिए तो ही चलेगा दोस्तों -1। क्या ये ऑन इक्वेटिंग क्या है, ऑन इक्वेटिंग यानी दोस्तों कंपेयर करो, क्या ये ऑन इक्वेटिंग यानी कंपेयर करो, क्या ये एक्स स्क्वेयर -y² इक्वल टू 3 है एंड क्या ये 2xy इक्वल क्या है दोस्तों, ये 2√10 है। देख लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है ये, देन वाई गुड क्या है, 2 विल गेट कैंसल, वाई गुड क्या है दोस्तों √10 बाई एक्स है, ये है हमारे लिए सेकंड पॉइंट है। देन वाई का वैल्यू है ना, वाई का वैल्यू ये दोनों सॉल्व करना है हमें, क्या होना दोस्तों एक्स एंड वाई, तो ये 2 इक्वेशंस है ना, ये कौन सी भी मेथड से सॉल्व करो, वाई गुड है दोस्तों मैं यहां पर लूंगा, क्या ये गुड y = √10 by x in equation है 1, क्या ये एक्स स्क्वेयर, क्या ये √10 by x है, √10 by x यानी वॉट ये एक्स स्क्वेयर है इक्वल क्या है दोस्तों 3 है, लेकिन क्या ये एक्स स्क्वेयर x^4 है, x^4 -10 इक्वल टू 3 एक्स है, x^4 -3 एक्स स्क्वेयर है, इसको इधर लो इसको ये -10 इक्वल टू 0 है। देखो दोस्तों ये लेफ्ट साइड में लो, क्या ये सॉल्व होता नहीं, 10 के फैक्टर जीटा -2 होना, x^4 यानी यहाँ पर स्क्वेयर लो, यहाँ पर स्क्वेयर लो, अब ये 10 के फैक्टर दोस्तों जीटा माइनस कितना होना है ना, चलेगा सबको, देख लो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया यानी ये यहाँ पर ना वाई वाई है y² है 10 / x², ये ऊपर जाता है x^4 x^ ना यहाँ पर आता है x², फिर क्या ये x^4 ये प्लस बिकम्स ये माइनस, ये माइनस के एनिमी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है ना, क्या ये 10 के फैक्टर्स 5 × 2 = 10 लास्ट में प्लस यानी माइनस और ये प्लस, देख लो दोस्तों हाँ लास्ट में माइनस यानी मिडल साइन गोज टू लार्जर टर्म और अपोजिट साइन गोज टू
स्मॉलर टर्म दोस्तों देख लो हाँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू है एक्स इक्वल क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस है फिर क्या है दोस्तों ये वेन एक्स इक्वल टू प्लस रूट फाइव वाई रूट क्या है हमारे पास वाई का वैल्यू है दोस्तों ये क्या ये अंडर रूट ऑफ टेन बाय रूट टू फाइव फाइव टू जार टेन एक्स इक्वल टू माइनस रूट फाइव वाई रूट क्या है ये अंडर रूट ऑफ टेन बाय माइनस रूट फाइव यानी माइनस रूट टेन है ना प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस चलेगा क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस टू रूट टेन आई इक्वल टू क्या है दोस्तों एक्स क्या था हमारे लिए एक्स प्लस आई इंटू आर क्या है ये देख लो दोस्तों रूट टू फाइव प्लस रूट टू इंटू आर है आई रूट टू और क्या है दोस्तों माइनस रूट फाइव माइनस आई रूट है यानी देख लो ये प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू यानी थ्री प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ टेन आई इक्वल टू प्लस माइनस क्या है ये रूट फाइव प्लस आई रूट टू ये है तुम्हारे लिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट है वो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताया कि टेक डाउन बहुत इजी क्वेश्चन है एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस टू क्या स्क्वेयर कभी भी माइनस नहीं होता दोस्तों अनलीनियर पॉजिटिव ये नेवर बी ये यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव एक बार प्लस ले लो वाई का वैल्यू रूट टू मिलेगा एक बार माइनस रूट फाइव ले लो ये फाइव टू जा ये फाइव टू जा ये टेक डाउन है दोस्तों तो ये है तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट के लिए एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए और एक क्वेश्चन दूंगा दोस्तों ये मेरे के लिए और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा अब नेक्स्ट देख लेंगे ना हाँ देख लो दोस्तों अगेन और एक क्वेश्चन देख लो फॉर अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए ये पीरियड में ओनली स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताऊंगा देख लो क्या है फॉर दिस पीरियड हमें ओनली फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों देख लो क्या है हाँ देखो दोस्तों थर्ड वन लेट इसका रूट है हमें टू इंटू वन माइनस रूट थ्री आई इसका रूट मुझे देना है एक्स प्लस आई इंटू वाई है चाहिए एक क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है अंडर रूट ऑफ टू माइनस क्या है ये टू रूट थ्री आई रूट क्या है एक्स प्लस आई वाई है ये रूट होना लेफ्ट साइड में रूट है राइट साइड में कुछ भी नहीं यानी क्या होना है यहां पर टेकिंग स्क्वेयर है ना टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड दोनों साइड के लिए स्क्वेयर लो दोस्तों फिर क्या मिलता टू माइनस टू रूट थ्री आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वेयर है ना हमें इसका रूट लेना है ये साइड में रूट है ये साइड में विदाउट रूट है इरेशनल रैशनल यानी कंपल्सरी क्या होना दोस्तों ऑन स्क्वेयरिंग यानी टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड देख लो फिर क्या है यहाँ ये टू माइनस टू रूट थ्री आई दोस्तों ये क्या है ए स्क्वेयर है बी स्क्वेयर और प्लस टू ए बी है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी क्या मिलेगा ये एक्स स्क्वेयर आई स्क्वेयर आई स्क्वेयर यानी माइनस वाई स्क्वेयर है ना प्लस क्या है ये टू एक्स वाई इंटू आई है टू माइनस टू रूट थ्री आई रियल इमेजिनरी लेफ्ट साइड में
कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल है, यानी व्हाट ऑन कंपेयरिंग बोल दो दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग यानी इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है कब, रियल पार्ट इक्वल होना और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना दोस्तों, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टू फर्स्ट वन, और ये क्या है दोस्तों माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू टू एक्स वाई है। फिर क्या मिलेगा, दो दो कैंसिल हो रहा है, यानी क्या मिलेगा मुझे वाई इक्वल क्या है दोस्तों माइनस रूट थ्री बाई एक्स है, ये है सेकेंड नंबर दोस्तों। फिर क्या है ये पुट वाई माइनस रूट थ्री बाई एक्स है इन इक्वेशन फर्स्ट में, ये ऐसा तो ये फर्स्ट नंबर देते जाओ दोस्तों, ये तुम्हारा ये क्या है सेकंड और ये थर्ड मानी सेकंड में मिल गया। ये y के दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है और एक्स वाई लेना है, ये एक्स वाई यहाँ पर हो गया, तो ये है रूट। देख लो फिर क्या ये एक्स स्क्वेयर माइनस रूट थ्री बाई एक्स है दोस्तों, होल स्क्वेयर इक्वल टू है। देखो क्या ये एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या है टू है, अगेन एक्स स्क्वेयर ले लो, क्या ये दो पा दो यानी एक्स प्लस टू फोर माइनस थ्री क्या ये टू एक्स स्क्वेयर है कैंसिल, एक्स प्लस टू क्या है फोर, ये प्लस टू है दोस्तों प्लस टू ले लो लेफ्ट में, टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है ना, एक्स प्लस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वेयर इस टू इधर दो माइनस थ्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। वंस अगेन देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वंस अगेन देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ देन क्या ये एक्स रेस टू फोर यानी एक्स स्क्वेयर थ्री के फैक्टर्स थ्री वनजा है, थ्री के फैक्टर्स क्या है दोस्तों थ्री वनजा, ये माइनस और ये क्या है प्लस, लास्ट साइन माइनस है यानी मिडल साइन है ना, मिडल साइन बड़े नंबर को और अपोजिट साइन छोटे नंबर को, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू थ्री और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन है। देखो दोस्तों ये है ये क्या है ये, बट एक्स स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन यानी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या है ये नॉट इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं दोस्तों, स्क्वेयर स्क्वेयर नेवर बी निगेटिव यानी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू थ्री आता क्या ये एक्स स्क्वेयर इक्वल टू थ्री है। देख लो ये लास्ट स्टेप एक्स स्क्वेयर इक्वल टू थ्री हाँ यानी एक्स इक्वल क्या है दोस्तों प्लस माइनस रूट थ्री है, एक्स इक्वल क्या है रूट थ्री है, एक्स इक्वल रूट थ्री है, एक्स इक्वल रूट थ्री यानी वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों ये वाई था यानी माइनस रूट थ्री बाई एक्स है क्या ये एक्स, एक्स का वैल्यू रूट थ्री वाई इक्वल क्या ये माइनस रूट थ्री बाई एक्स है, ये रूट थ्री देख लो ये अंडर रूट ऑफ थ्री और ये रूट थ्री मिलेगा, वाई इक्वल क्या है माइनस, सिमिलरली एक्स इक्वल क्या है माइनस रूट थ्री है ये भी है ना प्लस माइनस माइनस ले लो, वाई इक्वल क्या है दोस्तों माइनस रूट थ्री बाय माइनस रूट थ्री यानी माइनस माइनस प्लस कितना ये वाई इक्वल टू वन है, वाई इक्वल टू वन। तो फिर क्या है ये हुआ लास्ट स्टेप देख लो दोस्तों क्या है गया, फिर देख लो अंडर रूट ऑफ क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों, देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये टू है, ये टू इंटू वन माइनस रूट थ्री आई इक्वल टू एक्स प्लस माइनस प्लस क्या है आई इंटू वन है। देख लो दोस्तों क्या है एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स यानी वन पहले क्या है दोस्तों प्लस रूट थ्री के लिए माइनस वन यानी आई और माइनस रूट थ्री के लिए माइनस माइनस क्या है प्लस आई यानी अंडर रूट ऑफ टू इंटू वन माइनस रूट थ्री आई
इक्वल टू क्या ही है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस चेंज रहा ना, प्लस माइनस बाहर अंदर ओनली माइनस। देख लो दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस प्लस रहा ना, अंदर माइनस होना, प्लस टू माइनस और माइनस माइनस प्लस। देखो ये है हमारे लिए स्क्वेयर रूट। हिंदी से वही है ना, ये है तुम्हारे लिए तीन स्क्वेयर रूट्स, तीन क्वेश्चन के स्क्वेयर रूट के लिए। तुम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल होमवर्क फॉर यू। देख लो ये है तुम्हारे लिए पीरियड नंबर 10। जो भी है दोस्तों हम नए पीरियड में हम एक नए क्वेश्चन से सेम फॉर्म है हमारे लिए हम सॉल्व करें। दोस्तों ये मैंने 10th पीरियड कंप्लीट किया है और इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन के स्क्वेयर रूट्स, फाइंड द स्क्वेयर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये मेथड है फॉर सॉल्विंग स्क्वेयर रूट्स यानी फॉर फाइंडिंग स्क्वेयर रूट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइप्स क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट पीरियड नंबर 11 में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। थैंक यू।